जब से इंसान की उत्पत्ति हुई है तब से लोगों के दिल धड़कते आए हैं, लेकिन गत दो दशकों से हृदय रोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अच्छी बात यह है कि दिल के मरीजों की बढ़त के साथ साथ मानव जाति की और भारत के हृदय रोग के क्षेत्र में खूब प्रगति हुई है। भारतीयों में हृदय रोगों की बीमारी बहुत बढ़ रही थी। भारत की मिट्टी की महक से प्रेरित डॉक्टर केयूर परिक के लिए साबित हुआ गुजरात का महानगर अहमदाबाद हृदय की साधना का तीर्थ स्थान। इंसान दिल के साथ दुश्मनी क्यों ठान बैठा है? गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, घी, तेल, मक्खन युक्त खाना और पूरे दिन बैठे रहना। इंसान खुद ही अपनी जिंदगी तनाव से भर रहा है। साथ साथ डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और शरीर का मोटापन अपने 24 घंटे धड़कने वाले दिल को बीमारियों से ग्रस्त कर देता है। नन्हे दिल हो या बुजुर्ग दिल, बीमार हो सकते हैं। देखिए बीमार दिलों का इलाज। जिंदगी का क्या कहना, हंसते खेलते बीत जाती है। जिंदगी ही हमें जीना सिखाती है। लीजिए। हाँ, और ये प्रसाद। अरे इतना क्यों लिया, लो ना ज्यादा। कितना खिलाओगी मुझे? ओ, ओ चुपचाप खा लो ना, वरना अपशगुन होगा। तुम मुझे और मोटा कर दोगी। ओफो, प्रसाद के लिए कभी मना नहीं करते। हाँ हम सब खुशी थे, मैं, सुनील मेहता, मेरी वाइफ पूजा और हमारा एक लड़का भी है राज। सुबह ऑफिस जाना, पहुंचते ही सर पे काम, ये साइन करो वो साइन करो, इसका हिसाब उसका हिसाब। मेरे आदमी भी मेरे बिना कुछ नहीं होता था। एक बार ऑफिस से घर आया, बड़ी गर्मी थी, पूरे दिन ऑफिस में सर दुख गया। शाम तक थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? तनिया कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ठीक कैसे होगा, बाहर गर्मी कितनी है और ऊपर से आप ये सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं और ऑफिस में कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया होगा और पेट में गड़बड़ हो गई होगी। बस और जबरदस्ती, न जाने तुम भी क्या खिला देती हो आती। पापा चलो हम क्रिकेट खेलते हैं। नहीं नहीं आज नहीं। पर पापा कल मैच है और मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है। आज नहीं, आज नहीं हो पाएगा। पापा प्लीज प्लीज, पापा प्लीज। ठीक है चलो। दिल का दौरा भी हो सकता है, उनको जल्दी से नजदीकी अस्पताल ले जाओ।
नमस्ते मिस्टर मेहता, अब कैसा लग रहा है? थैंक यू डॉक्टर, अब तो ठीक लग रहा है और दर्द भी कम है। मेरा नाम डॉक्टर शुक्ला है, मैं आपका डॉक्टर। मिस्टर मेहता, आपको दिल का दौरा पड़ा है, चिंता की बात नहीं, ठीक है। डॉक्टर साहब, मुझे तो लगा इन्हें बदहजमी हुई होगी। यह तो अच्छा हुआ कि आपने डॉक्टर को तुरंत ही फोन कर दिया। लोगों की इसी गलती की वजह से ऐसे मरीज सही वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते। दिल का दौरा पड़ने पर मरीज का तुरंत ही अस्पताल पहुंचना बहुत ही जरूरी है। मुझे क्या पता डॉक्टर साहब? खैर, आप बिल्कुल सही वक्त पर अस्पताल पहुंच गई हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। मैं समझता, अब आपके ऊपर थोड़े से टेस्ट करने पड़ेंगे। आपकी खून की नलियों में रुकावट आने से आपको दौरा पड़ा। अब यह देखना है कि यह रुकावटें ठीक किस जगह पर है। क्या बात सीरियस है डॉक्टर? हाँ, अभी आपको एंजियोग्राफी के लिए ले जाया जाएगा। डॉक्टर अंकल, ये एंजियोग्राफी क्या? बेटे, एंजियोग्राफी एक मामूली सा टेस्ट है। एक नली द्वारा आपके पापा की धमनियों में दवाई डाली जाएगी, फिर एक्सरे मशीन के द्वारा इनकी तस्वीरें ली जाएंगी। इन तस्वीरों को देखकर पता चलेगा कि रुकावटें किधर हुई हैं। दर्द के लिए इंजेक्शन दिया जाएगा। मिस्टर मेहता पूरे होश में होंगे, उसके बाद उन्हें पता भी नहीं चलेगा। हाँ, वैसे दवाई डालते वक्त थोड़ी सी गर्मी। हाँ डॉक्टर साहब, क्या हम ये कल कर सकते हैं? अरे क्या है कि आज मुहूर्त अच्छा नहीं है। उनकी जान बचानी है तो हम शुभ दिन का इंतजार नहीं कर सकते। एंजियोग्राफी अभी और इसी वक्त करनी होगी। जैसा आप कहे, ठीक है। एंजियोग्राफी तो बस 15 मिनट का था। एक इंजेक्शन देने के बाद तो मानो पता ही नहीं चला। ज्यादा तकलीफ की तो बात ही नहीं थी। मुझे अपनी ही धमनियां देखने को मिली। मिसेज मेहता, हमने सब देख लिया है, आप मेरे साथ चलिए, आइए। यहां पे करीबन 90% रुकावटें हैं। आपको इनका बाईपास ही करवाना पड़ेगा। और तो कुछ ठीक से काम नहीं कर पाएगा। बाईपास? ये घबराइए नहीं, समस्या ये है कि इन रुकावटों को हम बलूनिंग द्वारा खोल नहीं पाएंगे। बलूनिंग? हाँ, ज्यादातर दिल का दौरा पड़ने पर बंद हो गई धमनियों को हम बलूनिंग द्वारा खोल देते हैं। जैसे एंजियोग्राफी में हमने एक नली का इस्तेमाल किया, ठीक वैसे ही नली द्वारा पेशेंट की धमनी में एक बलून डाला जाता है। रुकावट की सही जगह पहुंचकर उस बलून को फुला दिया जाता है, जिससे रुकावट खुल जाती है। फिर एक स्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वो धमनी खुली रह जाती है। फिर तो हमें मिस्टर मेहता का बलूनिंग ही करवाना होगा ना? नहीं, हम बलूनिंग नहीं कर पाएंगे। मिस्टर मेहता जब उठ पाए तो आप सब मेरी केबिन में चले आइएगा, मैं आपको ठीक से सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है? ठीक है। बाईपास का नाम सुनते ही हम सब की तो जान ही निकल गई, लेकिन डॉक्टर शुक्ला से बात हुई तो थोड़ा बेहतर लगा। ये तो अच्छा हुआ कि हमने डॉक्टर की बात मान ली, उनसे बात करके थोड़ा डर कम हो गया। फिर भी डर तो लगता ही है। मेरी बात तो सुनते नहीं थे, डॉक्टर की बात सुननी पड़ी ना। फिर भी इनसे ज्यादा तो मैं बहुत डरी हुई थी। इनका बाईपास ऑपरेशन किया डॉक्टर अनिल जैन और डॉक्टर श्रीनिवास मल्या ने। ये केस में डॉक्टर अनिल ने बाईपास ऑपरेशन के साथ हृदय के कमजोर हुए वेंट्रिकल को शस्त्रक्रिया द्वारा सुधारने का निर्णय लिया।
छोटी तस्वीर में बिगड़ा हुआ दिल और उस पर हो रहा परिणाम देखा जा सकता है। इस ऑपरेशन को सर्जिकल वेंट्रिकुलर रिस्टोरेशन यानी कि आकारहीन हुए वेंट्रिकलों को आदर्श आकार देना कहा जाता है। ये बड़ा मुश्किल ऑपरेशन है, लेकिन डॉक्टरों की टीम अनुभवी और काबिल है। ऑपरेशन दौरान थिएटर के हर मॉनिटर पर और मशीन पर ध्यान रखना पड़ता है। सर्जिकल वेंट्रिकुलर रिस्टोरेशन में एक फुग्गे जैसे सांचे का प्रयोग करके वेंट्रिकल को सही आकार दिया जाता है। आखिर में फुग्गा निकालकर वेंट्रिकल बंद करके ऑपरेशन पूरा किया जाता है। आईसीयू में जब होश आया तब थोड़ा छाती में दर्द सा हो रहा था और पीठ में भी थोड़ा दुख रहा था। मैं कमजोर था और ज्यादा ही नहीं पा रहा था। अगली सुबह तक तो ठीक ही लग रहा था। पानी, जूस वगैरह पीने को मिला। नर्स लोग भी अच्छे थे, अच्छा ख्याल रखते थे। डॉक्टर बीच में आकर हालचाल पूछते रहे। ऑपरेशन के दो दिन बाद मुझे खाना खाने को मिला। डायटिशियन ने बताया कि क्या खाना देना चाहिए। मुझे थोड़ा चलाया गया, थोड़ा घुमाया गया,